अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यार इट्स दी ओरिएंटेशन डे 2023। तो आज ओरिएंटेशन है, तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो वीडियो का लास्ट अगर ज़रूर देखना यार, ठीक है। और सबसे पहले यार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक किया करो। अभी यार जो न्यू बैच है वो उनकी ऑडिटोरियम में चल रहा है, उनकी ओरिएंटेशन। अभी वो नीचे आएंगे, हम ऊपर भी वैसे जाएंगे खुद, और जाके वहाँ पर भी हम शूट करेंगे, वहाँ पे वीडियो बनानी है हमें, और हमें थोड़ा सा काम भी है। तो आज का व्लॉग एंड तक देखना प्लीज़, लास्ट तक, बहुत मज़े का होने वाला है। तो यार यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो रश कितना ज़्यादा है आज, रश काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा रश चल रहा है यहाँ पर इंडस्ट्री में, सारा आप देखेंगे यहाँ से करते होंगे। यहाँ पर जो है ये खाने का बुफे का इंतज़ाम है, जो कि न्यू बैच के लिए है, सबके लिए इंतज़ाम लग रहे हैं। ये देखें, ये खाने का इंतज़ाम होगा यहाँ पर, यहाँ भी चल रहा है। सारी ये टेबल्स लग गए हैं, ये आ रहा है सामान यार, क्या तो ये है इधर से सारा। ओके ये पहले ये देखें आप बोर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर बुफे आई थिंक लगेगा, ये उनके पानी के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, फ्री बैठे हुए हैं आप तो, ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गया, फ्री बैठे हुए हो, क्या बात है। कैसे हो, ठीक हो आप, ठीक है आप, कैसी हैं आप, फ्री बैठे हुए हैं। बंद कर दिया है दोनों तरफ से आपको, नहीं नहीं अभी थोड़ी देर बाद हो जाना है, जब वो आ जाने न्यू बैच आ जाना है। अच्छा तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। अच्छा इन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ न्यू बैच की एंट्री है, कि किसी और को आना बाकी को मना है। ओके मिलते हैं, ओके यहाँ आना मना है बाकी को, तो क्योंकि जो सीनियर्स हैं ना उनको मना है यहाँ आना, सिर्फ जो न्यू बैच है बस वही आ सकता है। तो लेकिन मैं आ गया हूँ वापस, हम वहीं अंदर आ रहे हैं। मैं अब आपको मेन दिखाता हूँ, स्टार से आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। हाय हे हेलो, सबर सबर या सबर, ठीक है। ये ओरिएंटेशन 2023, ये देखो जी पूरे बैनर दिखाता हूँ, टेंशन के अभी जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है जो न्यू है, अभी वो ऊपर है सारे, हम ऊपर चलते हैं थोड़ी देर में बस, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर को,
हम अभी ऊपर को वापस जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर का हॉल है, ये सीनियर्स भी हेलो। जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है और मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीच से पैदा रियाजे तूर होता है। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अहमद हीरा साहब, जो पाकिस्तान में फिजिकल रिहेबिलिटेशन के पाइनियर्स में हैं, बहुत सारे बाहर की कंट्रीज से ट्रेनिंग करके आए हैं और पाकिस्तान में अगर फिजिकल थेरापी को किसी ने फरोग दिया है फिजिकल थेरापी की, तो बहुत सारे शानदार इस्तकबाल में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शाहिद अहमद हीरा साहब के, वो आए और नए आने वाले तलबा से बात करेंगे। लेकिन दुनिया में जिस चीज की तरफ डेवलपमेंट हो रही है उसमें शायद कंट्रीब्यूशन करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो बेटा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जैसे मैंने बताया है, अब ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तो होगी रुकैया फेमस, होगी बहुत फेमस। अच्छा कल के ब्लॉग में आपको मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ था आपको, इसलिए व्यूज आए हैं, देख लो फेमस होगी रुकैया फेमस हो। हम नहीं वो फेमस है यार, शुरू से फेमस है। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमने तुम्हारे ब्लॉग देखे हैं, कोई बात ही करते हैं कि ये ब्लॉग बनाता है ये वो, किसी ने खुद आके नहीं कहा इसको, हर कोई रोके कहता है आपको ब्लॉग में देखा था हमने। सही है, देखो यार फेमस लोग क्या बात है। The one and only, the one and only, everyone know me. हाजिक नदीम भट्टी। कैसे हो? इतनी पास मैं ठीक ठाक, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं ऑफ चल रहा हूँ आजकल। ऑफ चल रहे हो? और मैंने कुछ खाया नहीं। ऑन कब होती है बताओ? और तो जब मैं थोड़ा शाम होती है ना 5 बजे के दिन। ओके ओके, तो यार हमारी ओरिएंटेशन चल रही है, नीचे माहौल देखो, हम ऊपर से आगे आपने शॉप देखेंगे नीचे। तो यार थोड़ी सी बस वेट कर लो थोड़ी देर, उनका खाना है और आई थिंक खाना खाने के बाद बाद ही वो हमें मिलेंगे, तो अभी खाना खाते हैं तो उतना चलते हैं क्या। हाजी भाई किसके साथ खेल रहे हो आप, कौन है लड़की? अगर अगर ये देख लिया आपकी वो एच वाली ने जिसके 5 साल बाद शादी करनी है आपने, अक्सा है बस देख लो, अक्सा के साथ बैठा हुआ ये। एक्सक्यूज मी हाउस योर ओरिएंटेशन, हैं तो कैप्चर करने ले जा रहे हो, आपकी भी ड्यूटी लगी है, वाह सबकी लगी है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो हम सब कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं अंदर, ध्यान से ध्यान से। तो ये देखो हम ना यहाँ पर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं जो कि न्यू, हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं ठीक है, जो कि न्यू बैच के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके न्यू बैच के लिए व्यूज़ हम अभी देखेंगे यहाँ पर अभी होंगे। ओके डन करें आप, सही स्माइल फेस रखना आपने और कॉन्फिडेंट स्टार्ट। मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन दैन जब मैंने ऑरिएंटेशन अटेंड किया उसके बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मेरा जो आने वाला सफ़र है, जो जर्नी है, वो बहुत अच्छी गुजरेगी। एंड जो हमारे स्पेशली हमारे एचओडी हैं सर समीर रहमान, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया एंड आई एम प्राउड। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच।
हमारा इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, फ्रेशर्स के सेशन शुरू हुए हैं, तो अभी हमें कोई मिल नहीं रहा, हमें सोसाइटी के लिए जो काम है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो अभी थोड़ी देर हम रुके हुए हैं। आज वैसे मज़ा आ रहा है, पर लेक्चर जो थे उसके लिए हमने अटेंडेंस लगवा ली है और यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ सीनियर्स भी हैं, तो हम इनसे सुनेंगे कि क्या एडवाइस कर रहे हैं जो जूनियर्स आए उनके लिए। कोई एडवाइस आप बताएं? रिफंड करा लो, अभी भी वक्त है, रिफंड करा लो। ठीक है, क्यों क्यों? क्योंकि यार शुरू शुरू में आपको लगेगा बहुत अच्छी जगह आए हो, लेकिन जैसे ही ये विंटर्स खत्म होंगे, गर्मियां आने लगेंगी ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप फंस गए। हाँ, गर्मियों में तो ऐसा होता है, क्योंकि गर्मियों में यूनिवर्सिटी का बिल्कुल मजा नहीं आता, क्लास लेने का दिल नहीं करता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज आवर जूनियर्स। ठीक है, कैसे हैं आप? इट वाज माय फर्स्ट डे एट टुफिन, आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अभी रिफ्रेशमेंट हुई है, ऊपर ओरिएंटेशन चली है आपकी, कैसा आपको फील हो रहा है? अच्छा, एज फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी की हुई है हमारे लिए, इंतजाम आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये रिफ्रेशमेंट के लिए पड़ा हुआ सामान सारा। चोरी चलिए, ओह ये हमारे लिए, ओह ये हमारे लिए आया, थैंक यू सो मच यार। इनका सेशन चल रहा है डीपीटी और डीफॉर्म डिपार्टमेंट का। खाना खाया अभी उन्होंने सब? फ्रेश यार, कैसे हो आप? हमारे फ्रेशर्स हो, और कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी में? नॉर्मल है, अच्छा नहीं है। ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ टफ में आना? टफ में आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका फर्स्ट डे आज, और फ्रेश रिफ्रेशमेंट हुई, आपकी ओरिएंटेशन हुई, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट, होप आपका जो सफ़र है बहुत अच्छा गुजरे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और आपकी स्टडीज़ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये हम यहाँ पर इंटरव्यूज इनके भी चल रहे हैं, न्यू आए हैं। मैं अपनी ओरिएंटेशन डे था आज, तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट हुआ है, और मैंने डीपीएस डिपार्टमेंट में फार्मेसी डिपार्टमेंट, एंड अदर देन दिस मतलब गोल यही है कि इंशाल्लाह आगे आगे करके बनेंगे या फिर फार्मेसी। बेस्ट ऑफ लक आपको। ये कहते हैं कि इधर छुट्टियां लाओ नहीं है, बच्चा मर रहा हो तो वो भी एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन का भी ये सीन है कि एप्लीकेशन पे सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी से निकालेंगे नहीं, लेकिन आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी। वाओ, मतलब कुछ कर नहीं सकते? नहीं, कुछ नहीं, इधर कोई हालात नहीं है। मेरी अपनी शादी है, मैंने यूनिवर्सिटी का कार्ड दिया है। आपकी अपनी शादी है? हाँ, मेरी अपनी शादी है, मैंने यूनिवर्सिटी का कार्ड दिया, टीचर्स को इनवाइट किया है, तो आगे से उन्होंने बोला है कि नहीं, छुट्टियों वाला कोई सीन नहीं है, छुट्टियों कोई चक्कर नहीं, आपने छुट्टियों अपने निकाह वाले दिन भी आना है, आपको समर लगाएंगे, सुबह क्लास लेनी है, शाम को निकाह होगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, टफ में निकाह करते हैं यहाँ। वो एक फंक्शन हुआ था ना शादी वाला, एक यूनिवर्सिटी में किसी पहले इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो है वो छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी, आप ना शादी का कार्ड लेकर आए। जब मैंने इन्हें सब कुछ दिया है तो कहते हैं कि आपको सिर्फ मतलब यूनिवर्सिटी से स्टक ऑफ नहीं करेंगे, तो वैसे आपकी एब्सेंट काउंट होगी, सिर्फ इतना फायदा है इसका। तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है बहुत बड़ा, तो मैं चाहती हूँ कोई ना आए। नहीं, वैसे ये तो जाती है, इतनी छुट्टियाँ वगैरह तो मिलनी चाहिए, एक भी जितनी नहीं मिलेगी, ये तो जाती है, हाँ, कोई छुट्टी नहीं। चलो ठीक है, होप फॉर बेस्ट, और आपकी निकाह के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, आपने ये सुना यार, कुछ जो सीनियर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं। ठीक है, वो तो भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, उन्होंने बोले निकाली है, अभी अभी सुन रहा है, और बात गलत है, छुट्टियाँ उसे देनी चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको छुट्टियाँ मिलनी ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका हेल्थ प्राइस का अभी भी चल रहा है? आज हम घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था, और ये थी ओरिएंटेशन का जो फर्स्ट जो डे था वो था। अभी सीएस और बाकी जो मेन डिपार्टमेंट और भी कुछ हैं उनके रहती है, उनकी आज यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, और यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो देखो मेरी वीडियो बना रहे हैं वो लड़के, ये देखो बना रहे हैं। ठीक है, मैं ले ली है। अच्छा, तो आज आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, देख लो प्लीज़ कर दिया करो, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।